आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वानी जिले में पर्यटन उद्योग की अपार संभावना को मूर्त रूप देने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा एवं जिला पंचायत सीओ ऋतुराज सिंह नर्मदा किनारे बसे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर पर्यटन उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। कलेक्टर का कहना है कि यहां पर सरदार सरोवर के बैकवाटर के बीच अनेक स्थल ऐसे रमणीय बन चुके हैं जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। देखिए बड़वानी से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। पर्यटक उद्योग की संभावनाओं को तलाशने हेतु कलेक्टर पहुंचे नर्मदा किनारे। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, जिला पंचायत सीओ श्री ऋतुराज सिंह बुधवार को दोपहर पश्चात पर्यटक उद्योग की संभावनाओं को तलाशने हेतु नर्मदा के किनारे बसे ग्राम बोरखेड़ी, मोरटक्का, कुलीजल, चैंकी पहुंचे। ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें पर्यटक उद्योग की अपार संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। सरदार सरोवर के बैकवाटर से रमणीय और पेड़ों से आच्छादित इन ग्रामों में पहुंचे अधिकारी द्वय ने ग्रामीणों को बताया कि डूब के कारण इस क्षेत्र में कई ऐसे स्थान बन गए जहां पर पर्यटक की अपार संभावना है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि यदि इन स्थानों पर आदिवासी संस्कृति के अनुरूप हट और रहने खाने संस्कृति अनुरूप लोक गायन और लोक नृत्य, मोटर बोटिंग जैसी व्यवस्थाओं को प्रमोट किया जाए तो बड़े शहरों के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं और रहवासियों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। इस दौरान अधिकारी द्वय ने ग्रामीण वासियों से चर्चा कर जाना कि यदि इस कार्य हेतु उन्हें समुचित संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो क्या वे इस कार्य को करने हेतु तैयार हैं। इस पर ग्रामीणों ने बताया कि यदि सरकार उन्हें सुविधा और प्रोत्साहित करेगी तो वे इस कार्य को अतिथि देवो भव मानकर करेंगे। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। आज हम लोग जो बोरखेड़ी गाँव है, पाटी विकासखंड गाँव है, हमारा पाटी विकासखंड हमारे भारत के 10 पिछड़े विकासखंडों में शामिल है और इसमें हम लोग ये संभावना, चूँकि ये बड़ा प्राकृतिक रूप से सौंदर्य वाला और बहुत रमणीक स्थान है। यहाँ पे एक और बैकवाटर में आपको नर्मदा नदी दिख रही है, साइड में आपको पूरा सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी दिख रही है। इसमें पर्यटन की संभावना तलाश करके ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ट्राइबल के जो लोग, उनका हेरिटेज को, उनके कल्चर को, उनके खान पान को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि इस तरह का पर्यटन का मौका मिलता है, लोगों को रुकने की व्यवस्था होती है तो यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गारी मिलेगा और इनका कल्चर वगैरह उसका भी प्रमोशन होगा। ये संभावना हम लोग तलाशने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।